हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, है ना। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कैसे हैं मेरे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे। आई होप सब एकदम बढ़िया है। तो बच्चा, हम क्या करने वाले हैं आज? हमारा ये जो चैप्टर है दहन एवं ज्वाला, है ना, इसी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, है ना। वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो हाउ इज द जोश बच्चा लोग? जोश कैसा है जल्दी से बता दो बेटा, जोश कैसा है सभी का? आई होप बहुत अच्छा जोश है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं दहन कि दहन का क्या मतलब होता है। तो बच्चे, दहन का सिंपल सा मीनिंग है किसी भी पदार्थ को जलाना, है ना। और जब भी दहन होता है बेटा, तो ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब सर्दियां होती हैं तब हम क्या करते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं और हाथ को सेकते हैं या तापते हैं। तो उस समय देखो, आपने लकड़ी को जलाया, वो क्या हुआ, दहन हुआ। क्यों? क्योंकि उससे ऊष्मा निकल रही है, तभी तो आपको हीट लग रही है, और प्रकाश भी निकल रहा है, तभी तो चारों तरफ रोशनी भी हो जा रही है। तो ये है बेटा दहन। तो दहन का मतलब है किसी पदार्थ का जलना, है ना। और बेटा, जब भी ये दहन या कंबशन होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है, ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है। ये बात क्लियर। अब होता है बेटा दाह्य पदार्थ, इसी को बेटा हम कहते हैं ईंधन, दाह्य पदार्थ या ईंधन। अब बच्चा देखो भाई, हम किसी ना किसी चीज को तो जलाएंगे, किसी लकड़ी को जलाएंगे या किसी मैग्नीशियम की रिबन को जलाएंगे, है ना, या किसी ना किसी चीज को जलाएंगे। तो वह पदार्थ जिसे जलाया जाता है और जो जलने के फलस्वरूप ऊष्मा देता है, ईंधन या दाह्य पदार्थ कहलाता है। चलिए, तो भाई वह पदार्थ जिसे जलाया जाता है, जिसे जलाया जाता है, जलाया जाता है एवं जो जलने के फलस्वरूप ऊष्मा देता है, है ना, क्या देता है, ऊष्मा देता है, है ना, ऊष्मा देता है। चलिए, उदाहरण क्या हो गए भाई आपका, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, डीजल हो गया, लकड़ी हो गया। बेटा लड़की नहीं है, लकड़ी है ना। लड़की को जो जला दिया ना, तो फिर सोच लेना क्या होगा। तो भाई दहन और दाह्य पदार्थ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है, है ना, कि भाई जलने के लिए सहायक कौन होता है। तो बेटा, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो कोई चीज नहीं जल पाएगी। तो जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। अब आता है बेटा ज्वलन ताप। तो भाई ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप का मतलब है वो निम्नतम ताप या वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आपकी वस्तु जलना आरंभ करती है, वो कहलाती है ज्वलन ताप। वह निम्नतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना आरंभ करती है, ज्वलन ताप कहलाता है। वह निम्नतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना आरंभ करती है,
वह निम्नतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना आरंभ करती है ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है भाई, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर क्या होता है कोई वस्तु जलना आरंभ करती है ज्वलन ताप कहलाता है। अब कुछ वस्तु ऐसी होती है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और उन्हें कहा जाता है ज्वलनशील पदार्थ। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जब आप लकड़ी को अकेला फायर पे लगाते हो वो आराम से नहीं जलती, उसको टाइम लगता है। लेकिन उस लकड़ी पर आप थोड़ा सा केरोसिन या मिट्टी का तेल डाल दो, आपकी लकड़ी तुरंत जलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका मिट्टी का तेल है वो ज्वलनशील पदार्थ। तो यहां पर एक डेफिनेशन आती है ज्वलनशील पदार्थ की। क्या है भाई ज्वलनशील पदार्थ? वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है वो होते हैं आपके ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, जैसे उदाहरण हो गया आपका पेट्रोल, डीजल, है ना, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें। अब बेटा कोई भी वस्तु को जलाने के लिए हमें तीन चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, दूसरा हमें चाहिए ईंधन। भाई कोई जलने वाला भी तो होना चाहिए, तब तो जलाओगे। तो भाई कोई वस्तु चाहिए यानी कोई ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वस्तु का ज्वलन ताप चाहिए। ठीक है, अब जब भी कभी आग लग जाएगी तो आग को रोकने में हम यही तीनों चीजें हमारी हेल्प भी करती हैं। या तो हम ज्वलन ताप को बहुत बढ़ा दें, है ना, ताकि चीज जल ही नहीं पाए, या फिर हम वस्तु का और ईंधन का जो संपर्क है उसको ही काट दें, है ना, या फिर हम क्या करें ऑक्सीजन को की जो सप्लाई है उसको बंद कर दें, है ना। तो भाई आग बुझाने में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होते हैं। है ना, आग बुझाने में एक तो पानी सहायक है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बुझाने में सहायक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलाने में सहायक ऑक्सीजन गैस। क्लियर? चलिए अब बेटा जो पानी है या जल है उससे हम कौन सी आग बुझा सकते हैं? तो पानी से हम वो आग बुझा सकते हैं जो या तो लकड़ी पर लग गई हो, है ना, लकड़ी जल रही है उसको बुझाना है, पानी डाल दो। कोई कागज जल गया हो, है ना, लकड़ी जल गई हो, कोई कागज जल गया हो, तो हम जल का उपयोग करते हैं। अगर मान लो किसी विद्युत संयंत्र आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, कोई स्विच जो है वो जल रहा है उसमें से आग निकल रही, वहां पे पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी ऊष्मा का चालक है, आपको क्या करेगा, विद्युत का चालक है, आपके बॉडी में भी करंट प्रवाहित करवाएगा, है ना। तो भाई विद्युत संयंत्र में आग लगे, तेल के कारण आग लगे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? तो एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ईंधन क्षमता, है ना, ईंधन क्षमता, ईंधन की कैपेसिटी क्या होता है? तो देखो बेटा, हम अलग अलग ईंधन को जलाते हैं, है ना, हम लकड़ी को भी जलाते हैं, हम हम पेट्रोल को भी जलाते हैं, हम डीजल को भी जलाते हैं। अब अलग अलग चीजों को हम जलाते हैं तो अलग अलग हमें ऊष्मा देता है। तो 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर प्राप्त ऊष्मा को ईंधन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी आप 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर प्राप्त ऊष्मा को ईंधन क्षमता कहा जाता है, कि अगर आप 1 किलो
आपका ईंधन है उसको जलाओ तो जो भी आपको ऊष्मा प्राप्त होगी वो आपकी उस ईंधन की क्षमता कहलाएगी, ठीक है। और इस ईंधन क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है किलो कैलोरी पर जूल, किलो कैलोरी पर जूल, ठीक है, क्लियर है सभी को। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बेटा ज्वाला की, है ना। तो ज्वाला का मतलब लो बेसिकली, है ना। तो जब हम किसी वाष्पशील पदार्थ को जलाते हैं तो उससे बनने वाली लो को हम ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो भाई उससे ज्वाला से पहले बेटा हम एक बार दहन के प्रकार पढ़ लेते हैं, है ना। ज्वाला से पहले हम दहन के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो भाई दहन के प्रकार एक होता है बेटा तीव्र दहन, एक होता है आपका तीव्र दहन कि भाई आपने कोई चीज जलाई और तुरंत वो जलने लग गई, आपने कोई चीज जलाई और वो तुरंत जलने लग गई, उसे कहा जाता है तीव्र दहन। जैसे भाई गैस को जलाना, भाई आपके घर में गैस है, उसके पास जैसे आप लाइटर ले गए तुरंत गैस जलने लग गई, तीव्र दहन का उदाहरण। चलिए दूसरा है आपका स्वतः दहन, यानी वो दहन जो अपने आप हो रहा है ना, आप जाके जला नहीं रहे, अपने आप हो रहा है। जैसे फास्फोरस एक अधातु है, उस फास्फोरस को अगर आप खुला छोड़ दो वो अपने आप आग पकड़ लेगा। सोडियम एक धातु है, उसको आप वायु में छोड़ो अपने आप आग पकड़ लेगा। तभी तो फास्फोरस को पानी में रखते हैं और सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखते हैं। तो अपने आप दहन हो रहा है, जैसे फास्फोरस का अपने आप जल उठना, और तीसरा है बेटा विस्फोट, है ना। ऐसा दहन जिसके कारण बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है वो कहलाता है बेटा आपका विस्फोट। जैसे आपने देखा होगा पटाखा के जलाते हो, है ना, बहुत जोर से क्या आती है, आवाज आती है, वो विस्फोट का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो विस्फोट का मतलब है बहुत तेज ध्वनि के साथ दहन होना, ठीक है। तो ये आपके दहन के प्रकार है। तो दहन वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया, अब बात करेंगे ज्वाला की, है ना। तो भाई वाष्पशील, जिसकी वाष्प बनती हो, है ना, जब हम वाष्पशील पदार्थों का दहन करते हैं तो उससे प्राप्त जो लौ है उसे हम ज्वाला कहते हैं, है ना। जो भी वाष्पशील पदार्थ है उसकी ज्वाला बनेगी, जैसे मोमबत्ती की ज्वाला बनेगी, है ना, केरोसिन की ज्वाला बनेगी, लकड़ी की ज्वाला नहीं बनेगी, कोयले की ज्वाला नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी या कोयला वाष्पशील नहीं है। तो वाष्पशील पदार्थों के दहन से ज्वाला प्राप्त होती है। वाष्पशील पदार्थ जो हैं उनके दहन से हमें ज्वाला प्राप्त होती है। हर किसी से ज्वाला प्राप्त नहीं होगी, कोयले से ज्वाला प्राप्त नहीं होगी हमें, है ना, लकड़ी से ज्वाला प्राप्त नहीं होगी हमें। क्यों? क्योंकि वो वाष्पशील नहीं है। अब बेटा ये जो हमारी ज्वाला है, मान लो ये मेरी मोमबत्ती, इस मोमबत्ती की ये ज्वाला है, तो मोमबत्ती की ये जो हमारी ज्वाला होती है उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है वो नीला होता है। आपकी ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है नीला, बीच वाला जो भाग होता है वो होता है पीला, और अंदर वाला जो भाग होता है वो होता है काला। तो आपकी मोमबत्ती की ज्वाला का जो सबसे बाहर भाग है उसे कहते हैं नीला क्षेत्र, है ना। जो बीच वाला भाग होता है उसे कहते हैं पीला क्षेत्र, और सबसे नीचे जो काला वाला भाग है उसे कहते हैं काला क्षेत्र, ठीक है। तो बेटा जो आपका नीला क्षेत्र होता है उसका ताप सर्वाधिक होता है, है ना। अगर आप नीले क्षेत्र में किसी चीज को रख के जलाओ, नीले क्षेत्र में किसी चीज को रख के जलाओ तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी गर्म होगी। क्यों? क्योंकि इसका ताप बहुत ज्यादा है।
पीला क्षेत्र पीले रंग का होता है, है ना, इसका ताप नीले क्षेत्र के कंपेयर में कम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पीले क्षेत्र में, है ना, बिना जले कार्बन कणों का जमाव होता है। है ना, बिना जले कार्बन कणों का जमाव होता है इस पीले क्षेत्र में, और काला क्षेत्र जो है इसमें दहन नहीं होता, है ना, यहाँ पे दहन नहीं होता। तो भाई ज्वाला वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मोमबत्ती की ज्वाला के पार्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना कि आपकी मोमबत्ती की ज्वाला या आपकी जो ज्वाला होती है उसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला नीला क्षेत्र, बीच वाला पीला क्षेत्र, और सबसे अंदर वाला काला क्षेत्र, है ना। बिना जले कार्बन कणों का जो जमाव होता है वो आपके पीले क्षेत्र में होता है, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी चीजें काली हो जाती हैं, क्यों, इस पीले क्षेत्र के संपर्क में ज्यादा आती है। सिमिलरली आपका ये जो नीला क्षेत्र है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो कोई भी चीज आपको फास्ट गर्म करनी है तो उस नीले क्षेत्र के संपर्क में रखो, आपकी वो चीज फास्टली क्या होगी, बर्न हो जाएगी। क्लियर, तो भाई ये था हमारा चैप्टर दहन एवं ज्वाला जिसका हमने रिवीजन किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना। तो भाई क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। तो क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।